चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6। आपको क्वेश्चन विजुअल होगा, पहले अमाउंट अमाउंट फिल करेंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट करूंगा तो मैं इसके ऊपर एडजस्टमेंट दिखा दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। क्या क्या बनेगा सर? एक ट्रेडिंग और P&L, एडजस्टमेंट रजिस्टर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बिना एडजस्टमेंट रजिस्टर के आपको फिर दिक्कत होगी इसमें। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। सीक्वेंस पे पढ़ते जाएंगे और आगे करते जाएंगे। देखते हैं सर क्या क्या गिवन है। सबसे पहले गिवन है हमें कैश इन हैंड 1400 रुपये। यहाँ आ गया कैश 1400, आराम से लिखते जाएंगे। इसके बाद कैश एट बैंक 2600, कैश एट बैंक 2600 है ना। इसके बाद डेटर 86,000, लेकिन एक बात ध्यान रखना है, हमें ना एडजस्टमेंट एक बार जरूर नजर मार लेना है स्टार्ट करने से पहले। तो अगर स्टार्ट करने से पहले एक बार एडजस्टमेंट देखना है तो ये रहा एडजस्टमेंट, और मैं एडजस्टमेंट में देख पा रहा हूँ डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग पे, फर्नीचर पे, ऑफिस इक्विपमेंट पे, मोटर कार पे, क्लोजिंग स्टॉक है, डेटर के पे ऊपर भी है, रिजर्व फॉर बैड डेट्स डेटर पे भी है। इसके बाद आगे देखें इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी है, ठीक है। लास्ट में देखा जाए तो डिसाइडेड टू द मैनेजमेंट रिवैल्यूट द ऑफिस इक्विपमेंट बिफोर चार्जिंग करंट डेप्रिसिएशन, और इस वाले एडजस्टमेंट को अभी स्किप करेंगे हम जब क्वेश्चन करेंगे ना। तो जो ये वाला एडजस्टमेंट दिख रहा है ना, मैं इसे हटा देता हूँ यहाँ से, आपकी किताब में ऑल दो है, ये अभी हमने नहीं किया है तो हम अप्लाई नहीं करेंगे ये वाला, ठीक है। इसको जब हम समझेंगे तो करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें हमारे पास है, आ जाइए। यानी हमने एक मोटा मोटा टेंटेटिवली आइडिया ले लिया कि किसके लिए जगह छोड़ना है और किसके लिए जगह नहीं छोड़ना है, ठीक है। हो गया, तो अभी देखा जाए तो सबसे पहले डेटर, डेटर के बाद यहां पे देखो स्टॉक ओपनिंग है, तो मैंने यहां लिख लेना है ओपनिंग स्टॉक, है ना। थोड़ा इधर कर लेते हैं, जगह बनेगा हमारा। ओपनिंग स्टॉक यहां आ जाएगा 2, कितने रुपए हैं, कोई एडजस्टमेंट नहीं बाहर। इसके बाद क्या है, फर्नीचर, इस पे एडजस्टमेंट था, डेटर का अमाउंट नहीं लिखा, दैट इज 86,000। इसके बाद फर्नीचर कितने का है, 21,400, इस पे भी एडजस्टमेंट मैंने देखा था। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट, इस पे भी था। तो जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, देखो मैं अंदर लिख रहा हूं, आपने भी अंदर ही लिखना है। ऑफिस इक्विपमेंट कितने हो गए, 16,000। इसके बाद बिल्डिंग कितने का, 60,000। मोटर कार, सारा एसेट्स में चाह रहा है हमारा। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर, दैट इज हमारा 43,000।
43 इस पे है नहीं, बाहर लिख रहे हैं। इसके बाद लोन दे रखा है 30,000, इस पे भी कोई नहीं है, कोई ना परसेंटेज दे रखा है। तो लोन 30,000, इसके बाद रिजर्व फॉर डेटफुल डेट्स, तो यानी ये सर ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो पी एंड एल के क्रेडिट में चला जाएगा बाय रिजर्व। कितने रुपए? 3,000। मैंने बताया था एडजस्टमेंट रजिस्टर के अकॉर्डिंगली ये आ जाएगा। इसके बाद और क्या दे रखा है, परचेज 1,40,000। तो हमें इनसाइड में लिखना है परचेज हमेशा, क्योंकि इसके ऊपर ना एडजस्टमेंट होता है। 1,40 अंदर लिखेंगे, इसमें से रिटर्न माइनस करना होगा। और क्या है इसके बाद, परचेज के बाद परचेज रिटर्न, तो इसी में से देखो माइनस हो जाएगा। लेस पी आर कितने हैं? 2,600। ठीक, इसके बाद सेल्स दे रखा है, तो सबसे पहले बाय सेल्स कितने रुपए हैं? 2,30,000। माइनस में सेल्स रिटर्न के लिए जगह छोड़ देते हैं। अब साथ के साथ ही दे दिया 4,200। कई बार आपको सवाल में ना सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न नहीं बताएगा, सिर्फ लिखेगा रिटर्न। तो आपने समझना है कि जो डेबिट में दे रखा है, जो डेबिट में दे रखा है वो डेबिट के अंदर हमारा सेल्स रिटर्न होगा, और जो क्रेडिट में दे रखा है परचेज रिटर्न, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखा जाए सेल्स रिटर्न भी हो गया। इसके बाद देखा जाए सैलरी, सैलरी 11,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो यहां तक मेरा ट्रेडिंग बन जाएगा। इसके नीचे पी एंड एल सैलरी कितने? 11, कोई एडजस्टमेंट नहीं था इसलिए अंदर लिख लिया। इसके बाद रेंट फॉर गोडाउन, सिंपल रेंट है ये। अब रेंट फॉर गोडाउन डिपेंड करता है कि कहाँ का रेंट है, यहाँ ऑफिस भी होता है फैक्ट्री, ज्यादातर फैक्ट्री में होता है, तो इसलिए यहाँ लिख देते हैं रेंट फॉर गोडाउन कितने रुपए? 5,500। ठीक है, मैंने मान लिया कि फैक्ट्री का गोडाउन होगा इसलिए डायरेक्ट में डाल दिया है, अगर बोलता ऑफिस तो यहाँ आ जाता। इंटरेस्ट ऑन लोन 2,100 रुपए, 2,700। इंटरेस्ट एंड लोन के बाद रेट्स एंड टैक्सेस, तो रेट्स एंड टैक्सेस है कितने? 2,100। ये भी अब बाहर की साइड आ गया। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर, ये भी इधर आ जाएगा, कितने रुपए हैं? 2,400। ठीक है, इसके बाद देखा जाए डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम क्रेडिटर, तो बाय डिस्काउंट आ जाएगा कितने? 1,600। इसके बाद क्या दे रखा है, फ्रेट 1,200 रुपए, 1,200। इसके बाद कैरेज आउटवर्ड यहां होता है, इनवर्ड यहां होता है, ध्यान रखना, कितने रुपए? ड्रॉइंग कैपिटल में से माइनस, पहले कैपिटल लिख देंगे बाद में अमाउंट लिखेंगे, माइनस में ड्रॉइंग कितने हैं? 1,800। तो यही आएगा 18,000, 1,800। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्ज यही आएगा 2,200। इसके बाद क्या है, जर्नल ऑफिस एक्सपेंस, वो भी यहां आ जाएगा कितने? जनरल इंश्योरेंस, हाँ 3,000। चलिए इसके बाद क्या है, अब इस पे एडजस्टमेंट है, मैं अंदर लिखूंगा कितने हैं? 5,500 रुपए। ठीक है, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस के बाद दे रखा है हमें, इंश्योरेंस जनरल एक्सपेंस ऑफिस पहले लिखवा दिया, बेड डेट्स, बेड डेट्स यहां आएगा, तो हम यहां लिख देते हैं टॉप पे बेड डेट्स, बताओ कितने? 2,000। इसके बाद बैंक चार्ज, इसको थोड़ा नीचे लिखेंगे, मैं इसको ऊपर कर दूंगा क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ना, आपने अमाउंट देखना है। बैंक चार्ज कितने हैं? 1,600। इसके बाद
मोटर कार सर, मोटर कार एक्सपेंस कितने? 3600। और कैपिटल कितने हैं? 162। तो लाइबिलिटी में आ जाएगा 162। अब आगे देखा जाए, खत्म। तो अब इसका काम है नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं, इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। हम ले लेंगे इसके बाद क्या, हम ले लेते हैं एडजस्टमेंट, इसको ऊपर भेज देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसका कोई रोल नहीं है, तो मैं यहां एडजस्टमेंट ले आता हूं, ठीक है। ये रहे एडजस्टमेंट, और धीरे धीरे एडजस्टमेंट कर लेंगे, सारा एडजस्टमेंट कर लेते हैं दूसरे कलर से। कहता है भैया बिल्डिंग पे 5% डिप्रिसिएशन, तो माइनस कर देते हैं बिल्डिंग पे लेस डिप्रिसिएशन, 5% दैट इज 3000, और 3000 माइनस जब कर दोगे तो बचेगा हमारा 57000। और इस 3000 की डबल एंट्री भी होंगी, और इस 3000 की डबल एंट्री कहाँ होंगी? ये यहां पे होगा। तो मैं सिंपल लिख लेता हूं डेप्रिसिएशन, और यहां पहले बिल्डिंग 3000, ठीक है। इसके बाद अगला एडजस्टमेंट किस पे है? फर्नीचर पे। फर्नीचर पे 10%, तो लेस डेप्रिसिएशन फर्नीचर 2140, और यहां पे भी लिख दिया फर्नीचर पे 2140। अगला देखें किस पे है, ऑफिस इक्विपमेंट पे 15%, तो यहां से माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, कितने? 2400 बताया आपने। और दूसरा आ जाएगा यहां पे इक्विपमेंट 2400। आगे देखा जाए क्या कहता है, मोटर कार पे 20% लेस डेप्रिसिएशन, मोटर कार पे 4000 हो गए, और यहां मोटर कार 4000। और आगे देखा जाए, कहता है क्लोजिंग स्टॉक है 44000 का। सर क्लोजिंग स्टॉक जो है वो है 44000 का, तो दो जगह जाएगा, एक ट्रेडिंग में चला जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और एक चला जाएगा एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक 44000 का। कहता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, डेटर पे 5% बनाओ, तो माइनस में डेटर पे बैड डेट्स या रिजर्व कह लो, रिजर्व 4300। एडजस्टमेंट भी चेक करते जाना जो मैं कर रहा हूं, तो रिजर्व फॉर डेटर किधर डाले, इधर डाल देते हैं रिजर्व, कितने होंगे 4000। अब बैड डेट्स एडजस्टमेंट में होता तो माइनस होता, और वो जो बैड डेट्स दे रखा था कहाँ दे रखा था हमें, ट्रायल में, तो वो तो माइनस नहीं होता, एडजस्टमेंट देख लो आप। वो सबसे मेन एडजस्टमेंट ये वाला तो मैंने मना ही कर दिया कि ये वाला वैल्यूएशन वाला पार्ट अभी नहीं करने वाले, सबसे मेन एडजस्टमेंट हमारा ये है। कहता है इंश्योरेंस प्रीमियम में इंक्लूड है 4000 टूवर्ड प्रोप्राइटर लाइफ इंश्योरेंस, तो भैया इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस है तो माइनस कर दो, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 4000 रुपये, अब बचे कितने? 1500। और ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हमने पहले भी डिस्कस किया है, क्या होता है ये हमारे लिए, इसको थोड़ा स्मॉल कर दें, पहले भी डिस्कस किया, ये हमारे लिए ड्राइंग होता है, तो लेस ड्राइंग 4000 रुपये, ठीक है, इसको बड़ा कर देते हैं। चलिए कोई नहीं, हो ही गया। अब आगे कहता है, ध्यान देना, मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, और इसको बड़ा करके दिखा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, अब दिख रहा होगा आपको। आगे कहता है देखो, इंश्योरेंस ये वाला पार्ट तो करना ही नहीं अभी। आगे कहता है 4000 रुपये तो था लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, बैलेंस इंश्योरेंस इस तारीख से लेके इस तारीख तक का है, यानी जो बैलेंस इंश्योरेंस है वो 1/4/2020 से लेके 30/6/2021 तक का है, इसका मतलब यहां से यहां पूरे समय का है, डेट दे दिया आपको, तो इसका मतलब ये हमारा महीना खत्म हो जाएगा 31/3/2021, तो 12 महीने,
उसके बाद अप्रैल मई जून यानी 3 महीने और, तो 15 महीने का इंश्योरेंस है। टोटल इंश्योरेंस 1500 था जो बच रहा था, डिवाइडेड बाई 15 और 3 महीने का प्रीपेड, तो मतलब 300 प्रीपेड होगा। तो यहाँ पे क्या करने वाले हम इंश्योरेंस में, मैं यहाँ एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे प्रीपेड हो जाएगा 300, यहाँ आएगा टोटल 1200 और यहाँ प्रीपेड आ जाएगा 300 रुपए। ये क्वेश्चन बड़े बड़े हो जाते हैं इसमें, तो ये दिक्कत है। चलिए अब बस टोटलिंग का काम है, टोटलिंग का काम आप करते जाइएगा, पहले इसका टोटल करके बताइए। आप सभी बच्चे को विजुअल है, जो ऑनलाइन में है आप बता दीजिएगा, विजुअल नहीं हो तो मैं थोड़ा जूम कर दूंगा, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में थोड़ा एडजस्टमेंट रहेगा। 137,400, 225,800, 269,800 और 2 क्या आ जाएगा यहाँ, जीपी 63,700 बाय जीपी। अब इसके आंसर बुक से मत मैच करिएगा, रीजन हमने एक एडजस्टमेंट छोड़ दिया है, तो हमारा जो बैलेंस शीट मैच हो जाएगा, लेकिन हाँ 68,300 और ये आ गया 68। इसमें से एक एक करके माइनस कर लेते हैं, 2000, 11,000, 4,300, 2700, 2100, 2400, 2000, 1800, 1200, 3000, 1200, 1600, 3600, 2400 और 4000, ये आ गया 17,860। तो नेट प्रॉफिट आ गया 17 और ये नेट प्रॉफिट सेम ऐड हो जाएगा 17,860। चलिए प्लस 162 माइनस ये आ गया 163,860 टोटल प्लस 30,000 ये आ गया 236,807। सेम इधर का टोटल देख लेते हैं, 81,700 19,240 16 पे 15%, 13,600 ये कितने आ जाएंगे 16,000। अब इसका टोटल देखते हैं, 1400 57,000, 16,000, 44,000 और 300 क्यों, 3,000 लोन है, नहीं 30 ही होगा, बुक में देखो लोन 30,000 है, 3,000 है, अगली क्लास में वो एडजस्टमेंट हो जाएगा पीपीई वाला। ये गलत हो गया,
उन्नीस 260 हो गए, ठीक है। यह क्या 235,860 भैया, 1,000 का क्या गड़बड़ी है? ₹1,000 कहीं टोटलिंग में मिस्टेक तो नहीं है? जीपी चेक करना बुक में, जीपी या जीएल कितना है? आप में 69 है। यस, ठीक है, इसने रेंट नीचे लिया, जीपी ठीक है। एनपी चेक करो, छत्तीस भाई। 1,000 कोई अमाउंट आप बताना भूल गए, या तो ये चेक करो 2,400, या ये अमाउंट चेक कर लो। नीचे अमाउंट चेक कर लीजिए बस आप। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना 2,200 है, आपने ₹1,200 लिखवा दिया है। कितने है? समझ में? तो इलेक्ट्रिक चार्ज कितने होने चाहिए? 2,200। तो ये कितना हो जाएगा जब 1,000 होगा? तो ये 16, और जब यहां पे 16 हो जाएगा तो यहां 62 हो जाएगा, और यहां 35 हो जाएगा, ठीक है। वो लिखने में एरर हो गया, जो ढूंढने में टाइम लगा। नोट करिए, कहीं मेरे टाइपिंग वाले में तो एरर नहीं था? इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ गया? है कहाँ इलेक्ट्रिक चार्ज? हाँ, तो आपने गलत बोल दिया था उस टाइम। लिखिए, आप होमवर्क में पता ही क्या ट्राई करेंगे? समय देखिए, क्वेश्चन नंबर 3-4 हाई लिस्टेशन 3-4-7 8 3 4 7 8
ट्राई करेंगे आप। अब मैं क्या करूंगा, आपको डेली क्वेश्चन दे दिया करूंगा, और जो डाउट रहा करेगा वो बोर्ड पे करूंगा मैं। 3 4 7 8 चलिए, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको पीडीएफ मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम पे। अगली क्लास 2 घंटे का, और जीएसटी भी करेंगे अगली क्लास के अंदर, ठीक है? जीएसटी और क्वेश्चन।